हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग को कंप्लीट किया था। इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस किया था, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं इसको, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कंप्लीट किया था। नहीं, और बीईपी पॉइंट्स को भी क्लियर किया था। आज हम लोग जो करने वाले हैं, बजटिंग और बजटिंग कंट्रोल क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। आइए चलते हैं क्लास में और करते हैं इन सब की चर्चा। आइएगा जी, देखिए जी, बजट। आइए, इस थ्योरिटिकल चीज समझने से हम लोग कुछ पहले समझते हैं क्या प्रैक्टिकल चीज जो हम लोग के लाइफ में एक्चुअली हो रहा होता है। नहीं, हाँ जी सर, क्या होता है सर? देखिए, आप लोग जितने लोग देख रहे होंगे ना, आपके घर में आपको याद होगा कि शादी जरूर हुई होगी, किसी ना किसी की शादी। मौसी, मौसा, फूफा, काका, चाचा, भैया, दीदी, सबकी किसी की ना किसी की शादी हुई होगी। आइए मैं बजट आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, बजट। अब सपोज करिए आपके, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपके भैया की शादी हो रही है, ठीक है? आपके भैया की शादी हो रही है तो आप क्या करोगे? आप प्लानिंग करोगे पहले किस चीज की, कि सर कौन सा खर्च कहाँ कहाँ होने वाला है। क्लियर है बात? ऑब्वियस ही बात है ना, हमको एस्टिमेशन लेके चलना होगा। भैया या दीदी, किसी की मान लो, दीदी की शादी में ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो मैं एग्जांपल दीदी की शादी का लेता हूँ। अब दीदी की शादी में दहेज भी देना है, दहेज देने के साथ साथ ये आपका बैंड बाजा का भी देखना है, बाराती आएंगे तो खाने वाले का भी देखना है, सारे चीज का देखना है। तो उसके लिए सर, उसके लिए बनाना तो पड़ेगा ना कि भाई कितना खर्चा करना है, एक एस्टिमेट तो लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि घर वाले हम लोग का क्या करते थे, एक एस्टिमेट लेके चलते थे। क्लियर, हाँ कि ना? तो एक एस्टिमेट लेके चलते थे। अब कैसा एस्टिमेट होता था, आइए एक एक करके पहले समझते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या एस्टिमेट लेके चलते थे। तो ऐसा मान के चलते थे कि मान लो कि दहेज में ही 6 लाख रुपया लग जाएगा। इससे तो ज्यादा कम है लेकिन लग जाएगा, ठीक है? मान लेते हैं बाइक देनी है तो उसमें 2 लाख रुपया लग जाएगा। पार्टी अरेंज करानी है, ठीक है, तो खाना पीना के लिए 4 लाख रुपया लग जाएगा। अरेंज करते थे। फिर कपड़े देने हैं सबको, है ना, कपड़े खरीदने हैं, देने हैं, उसको मिलाकर 2 लाख रुपया लग जाएंगे, ठीक है? और क्या, और दीदी को भी तो सामान देना है, उसके लिए सामान के लिए फिर लग जाएंगे 4 लाख रुपए, है ना, ताकि दीदी को किसी भी चीज की कमी ना हो। तो मिला जुला कर हम लोग क्या करते थे कि एजम्पशन बना लेते थे कि भाई एक एस्टिमेट बना लेते थे, 6 दो 8 और 4 12 2 14 4 कितना, 18 लाख, कि सर हमको क्या 18 लाख रुपए का एस्टिमेट लेके चलना पड़ेगा, कि 18 लाख रुपए हमको कलेक्ट करके रखने पड़ेंगे, जिससे फिर क्या हमारा शादी पूरा निपट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं बजट, कि जब हम फ्यूचर के बेसिस पर, फ्यूचर में जो एक्सपेंस होने वाले हैं उस बेसिस पर हम अभी पहले प्लानिंग कर लें, एस्टिमेट बना लें कि भाई कौन सा चीज कहां से कितना लगेगा और कितना एक्सपेंस मेरा जाएगा, दैट इज नॉट एन बजट। चलिए अब इसको, इस सवाल को थोड़ा सा और एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं, जो रियल एग्जाम्पल होगा। ये तो गया शादी वाला एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग ये काम करते हैं घर में बैठ के, सब परिवार लोग ये चर्चा करते हैं, इसलिए मैं ये तो आपको समझ में आ गया। क्या क्या, कि पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये चीज इतना खर्च होगा, 200 आदमी का खाना बनाना है, इतना ये करना है, इतना कपड़े पर, इतना पार्टी पर, ये सारा खर्चा होगा, दैट इज कॉल्ड बजट। कि हम लोग पहले ही प्लानिंग कर लिए और उतना पैसा पहले कलेक्ट करके रख लिए। अब आइए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये बात समझिएगा। मान लीजिए आप किसी, जैसे कोई एक दुकानदार है, ठीक है, हाँ जी, मिठाई की दुकान है और दिवाली आने वाली है, ठीक है, एकदम बात सही है, हाँ सर। अब नॉर्मल दिनों में वो मान लेते हैं 50 किलो 100 किलो मिठाई बेचता था, अभी उसको बनानी है 1000 किलो मिठाई। कितने मिठाई बनानी है जी? 1000 किलो मिठाई, ठीक है? अब ये बात तो आपको पता है कि मिठाई बनानी तो है, हाँ सर मुझे मिठाई बनाना है, तो इतना मिठाई बनाएगा तो किसके लिए बनाएगा, बेचने के लिए बनाएगा, हाँ जी सर। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सेल्स देखना है, क्योंकि अगर सेल्स रहेगा ना तो भाई साहब सब कुछ काम हो जाएगा, सेल्स पे ही तो सारा चीज टिका हुआ है, नहीं, हाँ जी सर। तो अभी हमको क्या देखना है कि एक दुकानदार कितना सेल्स करने वाला है, इसके लिए वो क्या बना रहा है, उसके लिए एक एस्टिमेट बना रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे सेल्स बजट। क्लियर
क्लियर है बात। तो सर इसके लिए बजट क्या हो जाएगा, बजट ये हो जाएगा कि दीवार अभी हम 50 किलो या 100 किलो बेच रहे थे, लेकिन अब हमको 1000 किलो बना के बेचना है, तो 1000 किलो बना के बेचना है उसके लिए हमको एस्टिमेट तो बनाना पड़ेगा, वो एस्टिमेट कॉल बजट, दैट इज कॉल्ड सेल्स बजट। तो सबसे पहले एक शॉपकीपर जो मिठाई वाला है वो दिवाली के लिए क्या करेगा, सेल्स बजट बनाएगा, ठीक है, कि हमको क्या करेगा, सेल्स बजट बनाएगा कि हम कितना मिठाई बेच लेंगे। तो ये सेल्स बजट हो गया, पहले से प्लानिंग किया। अब इस सेल्स बजट के बेसिस पर दूसरा बजट वो बनाएगा क्या, प्रोडक्शन बजट। भाई साहब अब सेल्स तो अपने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, सेल्स इतना कर लेंगे, तो इस बेसिस पर आपको प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा, मिठाई बनानी भी तो पड़ेगी। हाँ जी सर, तो जो मिठाई बनाने का एस्टिमेशन होगा कि कैसे कैसे मिठाई बनेगा, उसको उस बेस पर जो बजट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बजट। अब इस प्रोडक्शन के लिए जब हमको मिठाई बनाने पड़ेगा तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा सर, एक मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, है ना, रॉ मटेरियल तो पड़ेगा ही, लेबर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पहले तो तीन ही चार लेबर थे, अब तीन चार लेबर क्या ये एक हजार किलो मिठाई बना लेंगे, नहीं, क्योंकि 85 किलो 100 किलो मिठाई बनाने के लिए वो है। हाँ जी सर, और उसके बाद ओवरहेड, और भी कोई ऊपर खर्चे होंगे जैसे सामान वामान लाने का, टेंट वेंट का, तो ये भी खर्चे देख लेंगे। तो मटेरियल के बेस पर जो बजट बनानी है, मटेरियल जैसे मान लेते हैं 100 किलो के लिए, 100 किलो मिठाई के लिए मान लेते हैं अलग अलग तरीके से 70 किलो कुछ और लग गया, मैदा लग गया, और भी 30 किलो चीनी लग गया, और भी बहुत सारी चीज लग गए, ठीक है ना, काजू लग गया, ठीक है, तो ये सारा चीज बन गया। तो ये तो लगता था इतना 100 किलो के लिए, अब 1000 किलो के लिए है तो 1000 किलो के लिए 1000 वाला बजट बनाना होगा। तो इसी के लिए जब मटेरियल के लिए बजट बनता है उसको बोलते हैं क्या, मटेरियल बजट। क्लियर है बात। तो प्रोडक्शन बजट किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, भाई कितना प्रोडक्शन हमको करना है। सेल्स बजट हमें सेल्स के लिए, सेल्स कितना होना चाहिए। अब उस बेसिस पर मिठाई वाला ने क्या किया, 1000 किलो का ऑर्डर लिया था ना, 1000 किलो का सेल्स क्या बोला, तो 1000 किलो के लिए मटेरियल भी तो चाहिए, तो वो मटेरियल के बेस पर बना मटेरियल बजट। अब एक बात बताइए, क्योंकि जब 100 किलो मिठाई बनाता था तो तीन चार लोग कंप्लीट कर लेता था, लेकिन जो वो मान लेते हैं दिवाली है, मान लेते हैं 10 तारीख को, और इसके पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसके एक हफ्ते पहले इसको तैयारी करना पड़ेगी। तो जब एक हफ्ते पहले तैयारी करनी पड़ेगी तो क्या उतना ही लेबर वो काम कर लेगा, नहीं सर, उतना लेबर वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए लेबर की, लेबर चाहिए हमें, तो उसके लिए भी एक बजट बनाना होगा क्या, लेबर बजट। नहीं कि हमें 5, 7, 8, 9, 10 लेके आना पड़ेगा और बजट और पीपल, जिससे क्या वो काम कर सके, और तभी तो दिवाली के दिन जो 10 तारीख को मान लेते हैं, तो 10 तारीख को दिवाली का दिन है, तो 10 तारीख को हम क्या कर पाए, वो सेल्स कर पाए। अगर यही नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो उस दिन भी आप क्या करेंगे, आप क्लियरली लेबर बजट बनाओगे, और उसके बाद अगर कोई खर्च है तो उसके लिए हम बनाते हैं ओवरहेड बजट। क्या बनाते हैं, ओवरहेड बजट। अब क्या क्या बजट बन गया एक बार ध्यान से देख लें। हाँ जी, तो सर सेल्स बजट बन गया सेल्स के लिए, उसके बेस पर प्रोडक्शन बजट बन गया प्रोडक्शन के लिए, उसके बेस पर मटेरियल बजट बन गया कि भाई मटेरियल कितना लगना है दिवाली के लिए स्पेशली, फिर लेबर के लिए लेबर बजट बन गया, और ओवरहेड के लिए ओवरहेड बजट बन गया। अच्छा चलो एक और इसमें एग्जांपल देते हैं, फिर इसको और आगे समझाएंगे। आपको याद है जब वो मिस्त्री नॉर्मल जब मिस्त्री बनाता है, राजमिस्त्री जब आप घर बनाते हो तो वो तीन चार लोग ही होते हैं, लेकिन जिस दिन ढलाई करना होता है उसको तो वो क्या करता है, वो बहुत सारे मजदूर को लेके आता है। क्यों, क्योंकि उसको पता होता है कि इतना दिन एक टाइम में ये चीज नहीं कंप्लीट हो पाएगा, सारे बहुत सारे मजदूर की जरूरत पड़ेगी, जल्दी काम करना है तो उसके लिए, तो वो क्या है, वो लेबर बजट है। उसको भी पता होता है कि भाई साहब लेबर ज्यादा लगेगा ही लगेगा। उसी तरीके से जब दिवाली का टाइम लेबर तो ज्यादा लगेगा ही, तो दैट इज कॉल्ड लेबर बजट। अब इन सब बजट के लिए एक बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बजट सर। अब देखो ये सब बजट तो बन गया, क्या क्या बजट बन गया, चलो आगे देखते हैं। आइए ये देखिए, सेल्स बजट हो गया सर, सेल्स बजट सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बेस पर प्रोडक्शन बजट हो गया, उस बेस पर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये बजट बन गया। अब इन सब के लिए क्या चाहिए सर, इन सब के लिए हमको चाहिए कैश, पैसा तो चाहिए ना। तो अब इन सब के बजट पर क्या बने, बेस पर क्या बनेगा, कैश बजट बनेगा।
क्लियर बात कि कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब ये कैश बजट बनाने के साथ साथ आपको ये बताना चाहिए कि सर बेसिकली बजट बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक को बोलते हैं फिक्स बजट, एक को बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। दोनों में फर्क क्या ये समझिए। देखिए एक को बोलते हैं फिक्स बजट, एक को फ्लेक्सिबल बजट। क्या होता है आइए समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ऐसा कि अभी हमने दिवाली के मौके पर जो बजट कितना का बना रहा था, 1000 यूनिट का बजट हम लोग बना रहे थे, यही ना बना रहे थे, 1000 किलो मिठाई का बजट बना रहे थे। क्लियर है बात। हाँ जी सर। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम 1000 किलो का बजट बना रहे हैं, ये तो एस्टिमेशन है कि भाई क्या हमको पता है कि 1000 किलो पूरा का पूरा बिक जाएगा? नहीं सर पता नहीं है। तो जब हम 1000 किलो का बजट सिर्फ एक बार बना रहे हैं, जैसे एक सिर्फ एक ही 1000 किलो का बजट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड बजट, जहां पे हम एक ही बार एस्टिमेशन करके फाइनल कर दे रहे हैं। लेकिन चूंकि अब देखो ऐसा होता है ना, दूसरा अकाउंटेंट एक आएगा बोलेगा भाई साहब, एक अकाउंटेंट ने 1000 किलो का बजट बना के एस्टिमेट करके दे दिया कि भाई साहब देखो 1000 किलो तुम बोले हो हम बना के दे रहे हैं। लेकिन उसी बेस पर अब आप मान लो दूसरा अकाउंटेंट रहता है, बोलता है भाई साहब ठीक है 1000 किलो का आप बोल रहे हैं ना, 1000 किलो हम आपको बना के दे रहे हैं उसका बजट, लेकिन उस हिसाब से एक बार हम 900 किलो का भी बजट बना देते हैं, 900 किलो का भी बजट बना देते हैं और 1100 किलो का भी बजट बना देते हैं कि अगर आपका 900 किलो का सेल्स हुआ तो क्या होगा और 1100 किलो का सेल्स हुआ तो क्या होगा। तो इन तीनों बजट को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में ये फर्क है कि फिक्स्ड बजट एक बार बनता है और एक ही के लिए बनता है, और फ्लेक्सिबल बजट जो होता है वो आसपास चीजों को भी देख के बनता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको ऊपर होगा तो भी पता रहता है और नीचे होगा तो भी मटेरियल के बारे में, सारी चीजों के बारे में पता रहता है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर बात। हाँ जी। अब आइए हम लोग चलते हैं कहाँ, चलते हैं थ्योरी में। अब समझते हैं क्या होता है बजट। तो अभी मैं एक बार फिर रिवाइज फटाक से कर दूं। हाँ जी सर। तो देखिए बजट क्या है, बजट एक एस्टिमेशन है कि भाई साहब हमको फ्यूचर में जो होने वाला एक्सपेंस या फ्यूचर में होने वाला एक्सपेंस रेवेन्यू को लेकर जो भी चीजें हैं उसका हम एस्टिमेशन अभी कर ले रहे हैं, अभी प्लानिंग कर ले रहे हैं। ठीक है। हाँ जी सर। अब बजट क्या सर, दो तरीके का, एक क्या फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट जो जब हम एक ही बार एस्टिमेशन कर रहे हैं, एक ही बार सेल्स यूनिट के लिए या सारे यूनिट्स के लिए एक ही बार बजट बना रहे हैं, उसको फिक्स बजट। और उसी बेस पर थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा को देखते हुए अगर हम बजट बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बजट सेल्स बजट। सेल्स बजट के ऊपर बनेगा प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट के ऊपर बनेगा मटेरियल लेबर और ओवरहेड बजट, और इन सब को लेकर बनेगा क्या कैश बजट। क्लियर है बात। हाँ जी सर। और एक बात और बता दूं, यही सारा बजट्स को एक साथ बनाना दैट इज कॉल्ड मास्टर बजट। क्लियर बात, समझ में आई बात। हाँ जी सर। आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। क्लियर है। ठीक है। कह रहा है इन अ डिक्शनरी ऑफ अकाउंट्स कोहलर डिफाइंस ए बजट एज, क्या बोला कोहलर साहब ने, क्या डिफाइन किया, एनी फाइनेंशियल प्लान सर्विंग एज एन एस्टिमेट ऑफ अ कंट्रोल ओवर द फ्यूचर ऑपरेशंस। क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, कोई फाइनेंशियल प्लान जो सर्व कर रहा है क्या, एक एस्टिमेट बना रहा है और कंट्रोल ओवर फ्यूचर ऑपरेशंस, जो फ्यूचर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, बजट बोल रहे हैं। हेंस एनी एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट बोल रहा है, ऐसी कोई ऐसा एस्टिमेट जिसका उसका फ्यूचर कॉस्ट। एनी सिस्टमेटिक प्लान फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेस, उसके उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोल रहे हैं बजट। अब देखिएगा चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट CIMA लंदन ने क्या डिफाइन किया है, देखिएगा कह रहा प्लान एक्सप्रेस्ड इन मनी, एक ऐसा प्लान जिसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। कह रहा इट इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू द बजट पीरियड में सो इनकम एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड। क्या बोल रहा है कि वो प्रिपेयर किया जाता है एंड अप्रूव किया जाता है प्रायर टू द बजट, बजट पीरियड से पहले, एंड जो क्या दिखाता है इनकम एक्सपेंडिचर और कैपिटल टू बी जो एम्प्लॉय होना है। कह रहा है मे बी ड्रॉन अप शोइंग इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑन फॉर्मर बजट और एक्चुअल फिगर्स और कंपाइल्ड बाय जीरो बेस बजटिंग। ठीक है। तो ये डेफिनेशन CIMA का है। कह रहा बजट इज अ प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव इंप्लीकेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन एंड दैट मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू
फॉलो इन द इमीडिएट नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली अ ईयर दस द एसेंशियल फीचर ऑफ बजट आर एज पीएलओ। देखिएगा तो सर बजट आपको पता है जब बजट सत्र पास होता है हम लोग का आप देखते होंगे कि बजट सत्र पास होता है तो उसमें क्या होता है कि हम कहां कहां एक्सपेंस करने वाले हैं और कितना रुपया उसके लिए एस्टिमेट किया गया है उसकी चर्चा करते हैं। निर्मला सीतारमन जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट पास करते हैं ना उस वक्त में बताते हैं कि सर रोडवे पे इतना खर्च होगा, एम्प्लॉयमेंट पे इतना खर्च होगा, रिसर्च पे इतना खर्च होगा, दैट इज कॉल्ड क्या बजट। आइए कह रहा है इट इज अ स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी एंड फिजिकल यूनिट्स प्रिपेयर फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। बोल रहा है क्या एक स्टेटमेंट है जो एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको मॉनेटरी या फिजिकल यूनिट्स में जो प्रिपेयर किया जाता है पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर्मुलेट करने के लिए इंप्लीमेंट और फॉर्मुलेट करने के लिए ठीक है बाय द मैनेजमेंट मैनेजमेंट के द्वारा। कह रहा है इट इज लेड डाउन प्रायर टू द बजट पीरियड ड्यूरिंग विच इज फॉलो। तो बजट पीरियड से पहले इसको किया जाता है ताकि आप इसको फ्यूचर में फॉलो कर सको। इट इज प्रिपेयर फॉर द डिफिनिट फ्यूचर पीरियड, एक डिफिनिट फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है। जैसे नॉर्मल बजट जो यहाँ पास होते हैं वो एक साल के लिए होता है चाहे वो स्टेट हो या नेशनल लेवल पर हो, सेंट्रल लेवल बजट हो। कह रहा था पॉलिसी टू बी फॉलोड टू अटेन गिवन ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लेड बिफोर द बजट इज प्रिपेयर। क्लियर बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट आइए, अब बजटिंग क्या है? तो सर देखिए बजट तो एक एस्टिमेट है तो बजटिंग उसी का एक क्या है प्रोसेस है नहीं? हाँ जी सर। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है बजटिंग इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इंप्लीमेंटिंग एंड ऑपरेशन बजट। तो बजट बजट जो बनता है उसका क्या कैसे डिजाइन होगा, कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे उसको ऑपरेशन में लाना है वो क्या है बजटिंग है। तो बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इंप्लीमेंटिंग एंड ऑपरेशन बजट। क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा द मेन एम्फेसिस इन द शॉर्ट टर्म बजटिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रोविजंस ऑफ रिसोर्स टू सपोर्ट प्लान्स व्हिच आर बीइंग इंप्लीमेंटेड। तो क्या बोल रहा है जो मेन एम्फेसिस है शॉर्ट टर्म बजटिंग का वो क्या है कि प्रोविजन करना कि जो जो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं प्लान्स को सपोर्ट करना जो हम आगे फ्यूचर में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब आइए बजटरी कंट्रोल का मतलब समझते हैं। सर बजटरी कंट्रोल का क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा कि क्या जो हमने बजट बनाया है क्या उसको उस जगह पे उतना यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, दैट इज द पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बजटरी कंट्रोल इज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग कॉस्ट थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट। बजटरी कंट्रोल क्या है, एक मेथड है किसको कॉस्ट को मैनेज करने का प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट को बनाने के बाद। कह रहा है बजटिंग इज दिस ओनली अ पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटिंग क्या है, बजटिंग कंट्रोल का पार्ट है। According to CIMA, Chartered Institute of Management Accounting, है ना accountant, तो ये क्या बोल रहा है, budgetary control is the establishment of budget. Budgetary control क्या है, establishment of budget relating to the responsibility of executing executive of a policy. एक policy को कैसे execute किया जाना उसकी responsibility and the continuous comparison of the actual and the budgeted results. तो ध्यान दीजिएगा, जो एक बात तो बहुत ध्यान से समझिएगा, budget क्या estimation है, अब उस बजट को कंपेयर करके हम एक्चुअल रिजल्ट पे पहुंच पा रहे हैं। मतलब जितना मान लो 10 रुपए हमने बजट किया था और खर्चा मेरा 12 हुआ, तो ये चीज देखना पड़ेगा कि खर्चा हमने 12 किया कि 10 के अंदर काम कर लिया। उस चीज को ध्यान में रखना कंट्रोल कहलाता है, बजटरी कंट्रोल। 10 रुपया है तो 10 रुपया के अंडर में ही सारा काम हो जाना चाहिए, 10 रुपया से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा आइदर टू ए सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन और द अदर ऑब्जेक्टिव पॉलिसी और टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इट्स रिवीजन। द मेन फीचर्स ऑफ बजटरी कंट्रोल आर, क्या क्या मेन फीचर्स है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोल रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट ऑफ ईच पर्पस ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट करना क्या, बजट का हर पर्पस के लिए, बिजनेस के हर पर्पस के लिए बजट बनाना चाहिए। कहला रिवीजन ऑफ बजट इन व्यू चेंजेस इन कंडीशंस, अब बोल रहा रिवीजन करना चाहिए बजट को अगर कोई चेंजेस करना है उस बेसिस पर। फिर कह रहा है कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजट ऑफ ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ उस बेसिस पर बजट को देखना चाहिए कि क्या मेरा जो बजट था उससे ज्यादा खर्च हो गया या कम हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको इससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। शादी वाली बात हुई थी, हाँ जी सर, हमने ये डिसाइड किया था कि 4 लाख रुपया लगेगा पार्टी में खर्च करने में, 200 आदमी आने की बात कही गई थी बाराती में। अब बाराती में आ गए 400 लोग, अब 400 लोग आ गए तो खाना घट गया, खाना घट गया फिर से हमने जल्दी बनवाया तो उसके लिए 2 लाख रुपए और बढ़ गए। तो वो क्या, वो बजटिंग कंट्रोल नहीं था। बजटिंग कंट्रोल वो होता कि वो 4 लाख रुपए के अंदर में चीजें हो जाती, दैट इज अ पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा है टेकिंग सुटेबल रेमेडियल एक्शन व्हेनेवर नेसेसरी, जब भी जरूरत हो आप रेमेडियल एक्शन ले सकते हो, ये फीचर्स है। कह रहा है एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस
फ्रॉम दैट ऑफ द बजटेड परफॉर्मेंस टू नो द रीजंस थेरऑफ। तो अब वेरिएशंस को क्या करना, एनालिसिस करना कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ था और बजटेड परफॉर्मेंस क्या है, और दोनों के बेस रीजंस को फाइंड आउट करना। ये भी क्या है, फीचर्स है बजटरी कंट्रोल का। अब आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं बजटरी कंट्रोल का। कह रहा था ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी कंट्रोल आर दी फॉलोइंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। टू यूज डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ कोऑपरेटिव एंडेवर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। तो क्या करना, अलग अलग लेवल्स पे यूज करना क्या मैनेजमेंट के कोऑपरेटिव एंडेवर को अचीवमेंट के लिए, कौन सा ऑब्जेक्ट फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है उसको यूज करने के लिए। नहीं, हाँ बिल्कुल सही सर। अब आ जाइए दूसरा, क्या टू फैसिलिटेट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल विद द डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए फैसिलिटेट करना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का किसके साथ, जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है और उसकी जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने ले रखी है। तीसरा क्या बोल रहा है, टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी बाय प्लानिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्रू द ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब देखो बोल रहा है भाई साहब अचीव करना मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम को प्लान कर लो कैसे होना है एक्सपेंडिचर, और इस बेसिस पर आप क्या करो जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के बाद प्रॉपर इनकम की प्लानिंग, एक्सपेंडिचर की प्लानिंग, और उस बेसिस पर हम क्या मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेंगे। कह रहा है टू इंश्योर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इन द अदर रिसोर्सेज ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बोल रहा है इंश्योर करो कि आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हो इन अदर रिसोर्सेज ऑफ, देखिए अदर रिसोर्सेज को लेकर के बिजनेस का जो ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए उसको लेकर बोल रहा है कि भाई साहब आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। कह रहा है टू रिड्यूस लॉसेस एंड वेस्टेज टू द मिनिमम। अब लॉसेस जो रिड्यूस लॉस जो है उसको कम करो और वेस्ट भी जो हो रहा है उसको मिनिमम करो। खत्म वेस्ट तो खत्म नहीं हो सकता लेकिन मिनिमम हो सकता है। कह रहा है टू ब्रिंग आउट क्लियरली वेयर एफर्ट इज नीडेड टू रिमेडी द सिचुएशन। बोला एकदम वो क्लियर ये लेके आओ, एफर्ट लेके आओ कि भाई साहब जब भी कोई जरूरत हो किसी सिचुएशन को सही करने का तो वह तुरंत कर सको। कह रहा है टू सी दैट द फर्म इज नॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम मशीन मार्चिंग टुवर्ड्स इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय इमरजेंसीज। बोल रहा है क्या देखना कि फर्म डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए एनी मार्चिंग से, कोई भी मार्च कर रहा है उससे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स विदाउट मोटा किसी भी इमरजेंसी में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना चाहिए। कह रहा है वेरियस एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन सेल्स परचेज ऑफ मटेरियल्स आर कोऑर्डिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो ये ध्यान देना चाहिए कि बजटरी कंट्रोल में प्रोडक्शन क्या क्या हाल है, सेल्स का क्या हाल है, परचेज ऑफ परचेज मटेरियल्स का क्या हाल चाल है। ठीक है, हाँ जी सर। अब चलते हैं जी एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल में। नहीं देखिएगा, एंड बजटरी कंट्रोल मेक्स ऑल डिफरेंसेस बिटवीन ड्रिफ्टिंग इन अ अनचार्टेड सी एंड द फॉलोइंग वेल प्लॉटेड कोर्स टुवर्ड्स अ प्रीडिटरमाइंड डिस्टिंक्शन। बोल रहा है इट सर्व्स एज अ वैल्यूएबल एड टू मैनेजमेंट थ्रू प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि कैसे मैनेजमेंट को देता है, प्लानिंग के थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू और कंट्रोल को कंट्रोल के थ्रू। कह रहा था प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम आर इन्यूमरेटेड बिलो। आइए दिया गया है क्या क्या प्रिंसिपल एडवांटेज है इसकी चर्चा हमें करनी है। तो सबसे पहला क्या, सबसे पहला कह रहा है बजटरी कंट्रोल्स एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसके लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ताकि हम जितना बजट लिए थे उसी बेस पर हम क्या करें खर्चा करें, ज्यादा खर्चा करेंगे तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन अगर उस बेस पर हम खर्चा करेंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। कह रहा है प्रॉफिट थ्रू द इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डायरेक्टिंग कैपिटल रिसोर्सेज टू द बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल। क्लियर है बात। तो सर बजटरी कंट्रोल किसके लिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए करना है। नहीं, हाँ जी सर। दूसरा देखिए कह रहा देयर इज अ प्लान्ड अप्रोच टू एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंसिंग ऑफ द बिजनेस। प्लान्ड अप्रोच होना चाहिए किसके लिए, एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंसिंग ऑफ द बिजनेस के लिए, सो दैट इकोनॉमी इज अफेक्टेड इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड टू द ऑप्टिमम बेनिफिट टू ऑफ द कंसर्न। इसके लिए तीसरा क्या है बोला, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द कंसर्न एंड टूल ऑफ टूल फॉर ऑब्जेक्टिव दिस पॉलिसीज टू अ पीरियोडिक एग्जामिनेशन। तो बोला एकदम क्लियर डेफिनेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, पॉलिसीज के लिए, उससे रिगार्डिंग जो पॉलिसीज है उसके लिए, एंड
उस ऑब्जेक्टिव के पॉलिसीज को पूरा करने के लिए पीरियोडिक एग्जामिनेशन भी होते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट देखिए, कह रहा है टास्क ऑफ मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन इज फैसिलिटेटेड थ्रू द बजटरी कंट्रोल। मैनेजरियल क्या बोलता है, मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा फैसिलिटेटेड होता है, बजटरी कंट्रोल के थ्रू। क्या बोल रहा है, सिंस ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज अवेयर ऑफ द टास्क, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, अवेयर है टास्क से, सो इज फुल्ली कॉन्शियस टू एज टू द बेस्ट वे बाय विच इज टू बी परफॉर्म्ड, मैक्सिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मटेरियल एंड रिसोर्सेज कैन बी अटेंड। तो देखिएगा, क्योंकि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, पता होता है कि भाई मेरा कंट्रोल कॉस्ट कितना होने वाला है या कितना बजट है, क्या सब कुछ कर होता है, उस बेसिस पर हम इस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है ताकि हम मैक्सिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किसका कर सकें, मैन का भी, मटेरियल का भी और रिसोर्सेज का भी, तीनों को हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके। इसके लिए क्या करना है, मैनेजमेंट इसके लिए अग्रसर रहती है, नहीं अवेयर रहती है। कह रहा है रिपोर्ट्स आर फर्निश्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल बाई एक्सेप्शन, ओनली डेविएशन फ्रॉम बजट विच पॉइंट आउट द वीक स्पॉट्स एंड इनएफिशिएंसीज आर प्रॉपरली लुक्ड इनटू। नेक्स्ट देखें, कह रहा है इट कल्टिवेट्स द मैनेजमेंट हैबिट ऑफ थिंकिंग अहेड, मेकिंग केयरफुल स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स इन एडवांस बिफोर टेकिंग डिसीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर डिसीजन लेने से पहले उसकी केयरफुल स्टडी करी जाती है प्रॉब्लम्स की। कह रहा है बजटरी कंट्रोल सिस्टम असिस्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इज अ पावरफुल टूल फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो बजटरी कंट्रोल क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को डेलीगेट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पावरफुल टूल होता है, नहीं। हाँ जी, कह रहा है बजट्स आर पूर रनर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इन द सेंस दैट दे क्रिएट नेसेसरी कंडीशन टू सूट सेटिंग अप स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए कंडीशन सूट कर सकता है। कह रहा है द मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट बजट प्रोवाइड अ सुटेबल बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ रिम्यूनरेशन बाय रिजल्ट्स आल्सो सपोर्टिंग पीपल विद द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। फिर बोल रहा है सिंस इट इन्वॉल्व्स फोर्सिंग डिफिकल्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स इट विल लीड टू द न्यू रिमूवल इन टाइम। अब ये था क्या आपके एडवांटेज, अब देखिए लिमिटेशंस क्या क्या है। कह रहा है बजटरी कंट्रोल स्टार्ट्स द फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, क्या करता है बजटरी कंट्रोल फॉर्मुलेशन ऑफ बजट स्टार्ट कर सकता है, कहता है विच आर मेयर एस्टिमेट्स, क्या है मेयर एस्टिमेट्स, देयरफॉर द एडिक्वेसी एंड अदरवाइज बजटरी कंट्रोल सिस्टम टू बी अ वेरी लार्ज एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी विच एस्टिमेट आर मेड। अब बोल रहा है भाई साहब ऐसा है, बजट चूंकि बना लिए हम, अब बजट के बेस पर हमको काम करना है, इसलिए क्या इस पे किस पे डिपेंड रहता है, टोटल बजट पे रहता है कि भाई इतना रुपया तो इसी के रुपया के अंदर काम करना, नहीं तो फिर काम नहीं करना। तो इसका क्या लिमिटेशन है, बजट आर मीन टू डील विद अ बिजनेस कंडीशन विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो बजट का मतलब क्या है, डील करना है उस कंडीशन से जो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, देयरफॉर बजट एस्टिमेट लूज मच ऑफ देयर यूजफुल अंडर द चेंजिंग कंडीशन बिकॉज ऑफ देयर रिजिडिटी। देखिए बजट तो हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए हमने फिक्स कर दिया, अब किसी वजह से चेंजेस आ गए और उस वजह उसमें 200 करोड़ की जरूरत है, तब तो क्या वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो वही इसका एक लिमिटेशन क्या बोल रहा है, यही है कह रहा है इट इज नेसेसरी दैट बजटरी कंट्रोल सिस्टम शुड बी केप्ट एडिक्वेटली फ्लेक्सिबल। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो यहाँ क्या है फिक्स्ड रहता है। कह रहा है द सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव डेटा एंड रिप्रेजेंट्स ओनली द इम्पर्सनल अप्रेजल टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बजटरी कंट्रोल बेस्ड किस पर है जी, क्वांटिटेटिव डेटा पर, और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, इम्पर्सनल अप्रेजल को, जहां कंडक्ट ऑफ बिजनेस हम लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, नहीं, और यही सपोर्ट करता है कौन इसको, प्रॉपर मैनेजमेंट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है इट हैज ऑफन बीन फाउंड दैट द प्रैक्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन बजटरी कंट्रोल सिस्टम बिकम टॉप हेवी एंड देयरफॉर कॉस्टली स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्मॉल कंसर्न। देखिए बजट तो भाई साहब कुछ बड़े लेवल पे काम कर रहा हूं तो बजट वाला एस्टिमेट काम करता है, लेकिन छोटे लेवल पे ये क्या नहीं हम इसको कंसर्न कर सकते हैं। आइए देखिए कह रहा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल हैव गिवन राइज टू वेरी अनहेल्दी टेंडेंसी टू बी रिगार्डेड एज ए सॉल्वेंट ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स। दिस हैज रिजल्टेड इन अ वेरी लुकवार्म ह्यूमन एफर्ट टू डील विद सच प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फेलियर ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर दैट ऑल कंट्रोल्स आर रिप्रेजेंटेड टू बजटरी कंट्रोल विच प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये देखिए ये लिमिटेशन था, ये खत्म हो गया। अब हम लोग जो मेन चर्चा करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बजट, ध्यान दीजिएगा।
टाइप्स ऑफ बजट की। सबसे पहला क्या, बजट। सर टाइम के बेसिस पर लॉन्ग टर्म बजट और शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट साल भर के नीचे के लिए और लॉन्ग टर्म बजट एक साल से ऊपर के लिए। फिक्स बजट वो बजट जो हम एक बार में चेक करें, एक बार एक अकाउंटेंट किसी एक यूनिट के लिए बना के दे दे, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट जब हम थोड़ा ऊपर और जो डिसाइड किया हमने बजट उससे नीचे और उससे ऊपर दोनों का बजट बना के दे, यानी कि दो तीन बजट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। फिर है किसका, स्कोप के बेसिस पर। तो सर फंक्शनल बजट और मास्टर बजट। तो सर फंक्शनल बजट में क्या था, सबसे पहले सेल्स बजट था, प्रोडक्शन बजट था, मटेरियल बजट, परचेज और कैश बजट। तो ये सारा बजट हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। फंक्शनल बजट के बेस पर सबसे पहले हमको क्या, सेल्स बनाना था, सेल्स बजट कि कितना सेल्स होगा मेरा, उस बेस पर प्रोडक्शन बजट बनता है और मटेरियल परचेज और ओवरहेड ये तीनों बजट फिर बनता है इसी बेसिस उसके जिस बेसिस पर प्रोडक्शन होगा। और इन सब के लिए जरूरत पड़ती है हमको क्या, कैश बजट की। और मास्टर बजट जब ये सारा बजट को एक साथ बनाया जाता है इसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर बजट। उसी तरह से कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ये ध्यान रखिएगा। आइए फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस देखते हैं। कह रहा है इट इज इनफ्लेक्सिबल एंड डज नॉट चेंज विद द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अचीव। तो जो हमको देखिए फिक्स बजट वैसा बजट जो हम एक्चुअल आउटपुट अचीव करना चाहते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं फिक्स। फ्लेक्सिबल बोल रहा है इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी सुटेबली रिकास्टेड क्विकली अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। अब देखिए फ्लेक्सिबल बजट वो हो गया जो जिस देखिए सिचुएशन के अनुसार काम कर लेना, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। क्योंकि अब मान लेते हैं हमने सोचा था 1000 यूनिट मिठाई बनाएंगे, 1000 किलो, अब 900 किलो बन पाया तो रोएंगे थोड़ी, या 1000 किलो बन गया तो रोएंगे थोड़ी। तो इसके लिए क्या फ्लेक्सिबल बजट मतलब थोड़ा बहुत 19-20 नीचे होना। कह रहा है कंडीशन इट अज्यूम दैट द कंडीशन वुड बी रिमेन स्टैटिक। अब देखिए अब फिक्स बजट में स्टैटिक रहेगा, लेकिन इट डिजाइन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड कंडीशन। अब चेंज कंडीशन के हिसाब से क्या चेंज किया जा सकता है। मान लेते हैं 3 दिन का दिवाली है, हमको 1000 किलो का बनाना था, मेरे पास और भी ऑर्डर आने लगे, 200 किलो और बनाना पड़ गया, तो हम रोएंगे थोड़ी, उसके लिए भी उस हिसाब से बजट की तैयारी करके रखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट आर नॉट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर वेरिएबिलिटी, फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दियर वेरिएबिलिटी। कंपैरिजन द एक्चुअल बजटेड परफॉर्मेंस एंड कैन नॉट बी डन करेक्टली इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिफर्स। अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिफर्स कर दिया तो जो एक्चुअल बजट है वो हम नहीं कर पाएंगे। कह रहा है कंपैरिजन आर रियलिस्टिक एज द चेंज्ड प्लान फिगर्स आर प्लेस्ड अगेंस्ट एक्चुअल वंस। तो यहाँ पे देखिए चूंकि अभी एक बात ध्यान समझिएगा, फ्लेक्सिबल बजट में हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो इसके लिए हम इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ फिक्स बजट में हम एक बोलते हैं फिक्स्ड कर दें तो यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। फोरकास्टिंग बोर्ड इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट एक्यूरेटली, इट इज क्लियरली शोज द इंपैक्ट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस ऑन द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं, यहाँ फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बजट देख लीजिए, तो लॉन्ग टर्म बजट बोल रहा है विच इज प्रिपेयर फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन वन ईयर, एक ईयर से ज्यादा के लिए बनाया तो लॉन्ग टर्म बजट। और शॉर्ट टर्म बजट बोलता है तो जब नीड हो उस हिसाब से लेस देन वन ईयर के लिए, पीरियड लेस देन वन ईयर। तो एक साल से नीचे के लिए बजट अगर बनाया जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी शॉर्ट टर्म बजट। अब देखिए एक होता है जीरो बेस बजटिंग। तो जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, कह रहा है जीरो बेस बजटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम द स्क्रैच एंड इज अ जीरो बेस। तो जो शुरू से एकदम जी बोलते हैं ना स्टार्टिंग से जो बजट बनता है एकदम स्क्रैच से, दैट इज कॉल्ड जीरो बेस बजटिंग। जैसे इसमें क्या स्टेप है इसको देख लीजिए, कह रहा है आइडेंटिफाई करो टास्क को, फाइंडिंग वेज एंड मीन्स ऑफ अकम्प्लीट, कैसे रास्ता ढूंढो कि कैसे इसको कंप्लीट करेगा, और उसके बाद इवेल्युएट करो इस सॉल्यूशन को, और उसको इवेल्युएट करने के बाद अल्टरनेटिव फाइंड करो कि कौन कौन सा कहां कहां से पैसा आना है, और सेटिंग द स्टेप बजटेड नंबर्स एंड प्रायोरिटीज। अब इसके हिसाब से आप बजटेड कर दो। एडवांटेज क्या क्या है सर, एक्यूरेसी एफिशिएंसी है, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है, रिडक्शन इन रिडंडेंट एक्टिविटीज है, बजट इन्फ्लेशन है। और डिसएडवांटेज क्या, टाइम कंज्यूमिंग है, मे बी एक्सपेंसिव, हायर मैन पावर रिक्वायरमेंट, लैक ऑफ एक्सपर्टीज। तो ये लीजिए ये क्या हो गया आपका जीरो बेस बजटिंग हो गया। तो बेसिकली बजटिंग इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर, तो चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।